ठीक पहले उज्जैन जिले से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक सरकारी स्कूल के दो शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल में जब बच्चों के पेरेंट्स ने टीचर के इस तरह नशे में आने की वजह पूछी तो एक शिक्षक बोला, सर का विदाई समारोह था इसलिए पीकर आए। मामले में शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला नागदा तहसील के खचरौद ब्लॉक का है। उन्होंने संकुल के पास लोध सरकारी स्कूल के टीचर नशे में स्कूल पहुंचे थे। सामने आए दोनों वीडियो शनिवार के बताए जा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स ने टीचर के वीडियो बनाए। पहले वीडियो में नजर आ रहे टीचर का नाम पीरूलाल परमार है। वीडियो में दिख रहा है कि खोखरी का रहने वाला टीचर इतने नशे में है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि पढ़ाना क्या है। दूसरा वीडियो भी यहाँ पदस्थ टीचर मोहनलाल हिंदल का है। वे नशे में इतने मदहोश थे कि उनसे उठते नहीं बन रहा था। ये वीडियो भी शनिवार का है। ग्रामीणों का कहना है कि ये आए दिन का मामला है। टीचर स्कूल खुला छोड़कर शराब पीने चले जाते हैं। टीचर्स के शराब पीकर आने की शिकायत ग्रामीण पहले भी कर चुके हैं। जब प्रधानाध्यापक प्रकाश लंबोडिकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रात में पीते होंगे, सुबह स्मेल आती है इसलिए बच्चे स्मेल आने की शिकायत करते हैं। क्या हुआ? कोई क्या हुआ? सर का वो था नहीं तो सर का विदाई समारोह तो यहाँ दारू पी क्या हो गया?